मार्केट गई थी आज मैं, और थैला भर करके सब्जी लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि सारी सब्जियाँ फ्रेश और एकदम ताज़ी दिख रही थी। मेथी तो काफ़ी ज़्यादा ताज़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मेथी की मठरी बनाई जाए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। परतदार लहरी मठरी चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम लगती है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा चाय लवर नहीं हूँ, तो मैं इसे दही के साथ खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मॉर्निंग में भी आप खा लीजिए या शाम के नाश्ते में, बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि हम इसमें गेहूं के आटे का इस्तेमाल करने वाले हैं। गेहूं के आटे और मेथी की ये जो मठरी है ना, आपको इतनी पसंद आएगी ना कि आप हमेशा ही घर में इसे बना करके रखना पसंद करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेथी को क्लीन कर लिया अच्छे से, तो ये एक मुट्ठी के करीब होगा। अगर आप कप से मेजर करेंगे ना, तो एक कप के करीब होगा। अच्छे से 3 से 4 बार मैंने इसे धो लिया है, थोड़ी देर पानी में भी डाल करके छोड़ दिया था क्योंकि मिट्टी थी काफ़ी सारी। अब क्या करेंगे, मेथी को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये जो मठरी है ना, बनाना बहुत ही आसान है, आधे घंटे में ढेर सारी मठरी बन करके तैयार हो जाती है। और जब हम चाय के साथ बिस्किट वगैरह खाते हैं ना, उसकी जगह पर आप ये मठरी खाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। तो मठरी को, मत सॉरी मठरी बोल रही हूँ, मेथी को मैंने यहाँ पर बारीक चॉप कर दिया है, और पैन में 1 चम्मच के करीब घी ऐड किया है। अब उसमें ऐड कर रही हूँ चॉप की हुई मेथी, और क्या करेंगे ना, इसे हल्का सा भून लेंगे ताकि अगर मेथी में जो भी कड़वाहट हो ना, वो निकल जाए। वैसे अभी की मेथी उतनी ज़्यादा इधर कड़वी लगती नहीं है, बट हल्की सी मैंने यहाँ पर इसे रोस्ट कर दी है। अब इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब एक परात ले रही हूँ, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा मैंने यहाँ पर 3/4 कप लिया है। अब जो मठरी है हमारी एकदम परतदार क्रिस्पी बन करके तैयार हो, इसके लिए मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून सूजी यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही 2 टेबल स्पून बेसन। आप चाहें तो सिर्फ सूजी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ बेसन यूज कर सकते, मतलब आटा सूजी या फिर आटा बेसन, या फिर तीनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब दो सारी चीज़ें मिलाने के बाद यहाँ पर 2 कप हुई थी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा, ये खड़ा जीरा है, साथ ही 1 छोटा चम्मच अजवाइन ऐड कर रही हूँ। अजवाइन से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, हाथों से क्रश करके ऐड करिएगा। उसके बाद 1 टेबल स्पून सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं ना, वो ऐड किया। इसे देखने में मठरी बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़ी सौंधी भी लगती है खाने में। साथ ही 2 चुटकी हल्दी, 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें घी ऐड किया है। घी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। साथ ही थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिली फ्लेक्स ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी फिर नहीं खाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर या फिर लाल मिर्च पाउडर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो मेथी हमने भून के रखी थी ना रोस्ट करके, वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से उसे मिला लेंगे पहले। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और सख्त सा आटा लगा करके तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना है, जैसे कि हम पराठा वगैरह का आटा लगाते हैं ना, वैसा ही लगाना है। क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम इसे रेस्ट पर रखेंगे ना, तो जो सूजी थी ना, वो थोड़ी फूल जाएगी, तो और भी आटा थोड़ा सख्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक पेस्ट बना लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो इसकी जगह पे आटा ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, और साथ ही मैंने 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर दिया है, और अच्छे से इसे फेंटते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए एकदम क्रीम की तरह यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा ये। अभी इसे रखते हैं हम साइड में। मैंने यहाँ पर गैस स्लेब को साफ़ कर लिया है, क्योंकि मैं इसी में बेलने वाली हूँ मठरी, क्योंकि चकला बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, बार बार मतलब बना बेलना पड़ता है, इसीलिए मैं एक ही बार 2 बार में सारा बना करके तैयार करती हूँ। दो आटे को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, जो बाकी का आटा है उसे ढक के रखेंगे, नहीं तो सूख जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके सूखा आटा लगाएंगे, और यहाँ पर जो रोटी की तरह है ना, इसे बेल करके तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बेलना है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिक ही रखना है यहाँ पर। इसे जैसे तैसे भी बेल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि स्क्वायर का शेप देते हुए बेलिएगा, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर तैयार किया था ना, वो इसमें फैला देंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना, बहुत हल्का हल्का ही फैलाना है। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा छिड़केंगे,
और दोनों साइड से इस तरह से इसे फोल्ड करते जाएंगे। जो भी मेहनत है ना यहीं पर लगेगी, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना इतना बढ़िया आएगा ना देख करके खा करके कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा और घी और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर लगाया है। इसी तरह से सूखा आटा वापस से स्प्रिंकल करेंगे और फिर से यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेंगे। इससे मटरी में ना काफ़ी सारी लेयर बन करके आएगी और वो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा खस्ता भी बनेगी। अब क्या करेंगे कि सूखा आटा वापस से लगाएंगे और यहाँ पर रोटी को हम बेल लेंगे। तो अब यहाँ पर आप चाहें जितना पतला मोटा उतना पतला मोटा रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे अच्छे से ही बेल लूँगी स्क्वायर का सेप देते हुए ही। स्क्वायर का सेप देते हुए बेलिएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब हमें ज़्यादा इधर उधर से साइड से काट करके निकालना नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से अब बेल लिया है। वापस से क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे। अगर आपको नहीं पसंद ना तो उसी स्टेज में आप वहाँ पर उसे काट लें नमकीन को या फिर मटरी को, तो आपकी मटरी रेडी हो जाएगी। बट मैं यहाँ पर इसमें 7-8 लेयर लेकर के आने वाली हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर 2-3 बार इस प्रोसेस को कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, 2 ही बार ही किया है मैंने। और वापस से इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए हम बेल लेंगे। अब तो ये यहाँ पर फाइनल बेल रही हूँ, इससे ज़्यादा और यहाँ पर इसे नहीं फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे बहुत मतलब पतला नहीं किया है, थोड़ा सा थिक ही रखा है ताकि इसकी जो लेयर है ना अच्छे से खुल सके। 1/2 इंच की मोटाई में मैंने इसे काट लिया है इस तरह से लंबा लंबा। आप अपने मनपसंद इसे जैसे मन वैसे शेप दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से स्ट्रिप्स मैंने काट लिया। जो तेल है ना यहाँ पर तलने के लिए वो अच्छा गर्म हो जाना चाहिए। आप यहाँ पर सारी मछलियाँ ऐड कर दें, उसके बाद फ्लेम को लो कर दें। तेल अगर अच्छा गर्म होगा ना तो जो मछली हमारी है ना एकदम अच्छे से लेयर खुल करके आएगी। अगर आप तेल एकदम ठंडा ठंडा में ऐड कर देंगे तो इतने अच्छे से खिलेगी नहीं हमारी मछली और वो फिर चपटी लगने लगेगी देखने में। तो एक बार में तलने में 4 से 5 मिनट आपको लग जाएगा, जो मछली है ना बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने सारा ही मछली फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर इसमें बन करके आई है। कोई भी देख करके खा करके आपको नहीं बता पाएगा ना कि गेहूं के आटे से बन करके तैयार हुई है। मैं जनरली तरह तरह की इस तरह की मटरी नमकीन घर में गेहूं के आटे से ही बनाती हूं। बहुत सारी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये आप देख सकते हैं कितनी खस्ता परतदार बन करके तैयार हुई है। मेरा दावा है कि अगर आप एक बार इसे ट्राई करेंगे ना तो आप बार बार बना करके घर में इसे रखेंगे, बच्चों को भी देंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, टेस्टी तो लगती ही है। आप इसे ऐसे ही चाय के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए या फिर मेरी तरह दही के साथ खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसे आप ना एयरटाइट कंटेनर में भर करके 2 से 3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। देखिए यहाँ पर जो हमारी मटरी है बन करके तैयार हो गई है। कैसी लगी आज की ये वीडियो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।